आई थिंक जो नए लोग हैं और स्पेशली जो आउटसाइडर्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए. फिल्म इंडस्ट्री में भी मेरा सेम वंशवाद के साथ संघर्ष रहा है फिल्म इंडस्ट्री में भी, और अब भी मुझे अगर वंशवाद से लड़ना होगा, वैसे तो कोई पता नहीं है, वो कैंडिडेट अपना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी विचलित भी हैं और काफ़ी डरे हुए भी हैं, लेकिन अगर वो डरे हुए नहीं होते तो अब शब्द अनाप शनाप टिप्पणी वो महिलाओं पर नहीं करते, लेकिन डरे भी हुए हैं और विचलित भी हैं. तो अभी कोई नाम तो नहीं आया है, लेकिन स्वाभाविक है, हमेशा मुझे वंशवाद से जूझना पड़ा है, तो लगता है यहाँ भी उसी तरह से जूझना पड़ेगा. दीप सिंह, आपको लगातार भी मामले में काफी जो आपका नाम उछाल रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरह से राजनीति किस तरह की झूठ, बिकॉज मुझे लगता है उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा तो है ही नहीं, क्योंकि उनकी सरकार हर लेवल पर फेल हो गई है. अगर आप देखें तो यहाँ पे भी टूटती फूटती सरकार है उनकी, कभी भी जा सकती है, और नेचुरली उनके पास और कोई अपना कराया हुआ काम दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो झूठ बोल रहे हैं. मैं जो हूँ, जैसे मैंने कहा है, मैं आयुर्वेदिक और योगिक लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ, और वो अपने झूठ का समर्थन करने के लिए कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं अभी तक. देखिए, हमारा जो केंद्र से जो हमारा है विकास, इस एरिया का विकास हमारा मेन मुद्दा है, और उससे बढ़कर हमें कुछ भी नहीं है. बाकी तो यहाँ पे सब कुछ बहुत बेहतरीन है. तो मनाली की बात करें, कुछ ऐसे काम है जो आपके ध्यान में, जो मनाली के पर्यटन को लेकर, पर्यटन को लेकर हमारे, हमें जो एयरपोर्ट की जरूरत है, पर्यटन को लेकर रोड्स तो खैर एनएच तो सब जगह बन ही रहे हैं, और अगर मौसम का हमें सहारा रहा, अच्छा रहा, तो बहुत जल्दी हम सारे अपने अचीव कर रहे हैं. अच्छा, ठीक है. मैं अभी जो पुरानी चीज़ें जो है वो मुझे फॉलोअप करनी पड़ेंगी, पुरानों ने कहाँ छोड़ा है, आगे वाले क्या है, वो तो खैर अब 4 जून के ही बात के मुद्दे हैं. धन्यवाद.